हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आज हॉस्पिटल से घर जा रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक हफ्ते बाद मैं अपने घर जाऊँगी। तो मैं ये छोटा सा वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अच्छा रहा ट्रीटमेंट। अभी तो खैर थोड़ा प्रोसेस और बाकी है इस ट्रीटमेंट का, लेकिन यह है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की दुआओं से मेरा ऑपरेशन अच्छा हुआ और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और आज एक हफ्ते बाद मैं 16 तारीख को हॉस्पिटल आई थी और आज है 23, तो आज मैं घर जा रही हूँ डिस्चार्ज होके। और आप सब ने बहुत विशेज दिए हैं, बहुत दुआएं दी हैं, तो बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगा। और आप सबके आशीर्वाद से मैं अच्छी हूँ। और काफ़ी लोग अच्छे मिल जाते हैं रास्ता चलते। जब हमारे साथ परेशानियाँ आती हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, लेकिन ये है कि जब हम उस रास्ते पे, उस परेशानी पे चलते हैं तो हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं उनसे हमें कई अच्छे लोग मिलते हैं जो हमारे परेशानियों को बहुत आसान कर देते हैं। और ज़रूरी नहीं है कोई आपकी फाइनेंशियली हेल्प करे और कोई आपको इमोशनली सपोर्ट करे, आपको दुआएं दे और आपके छोटे छोटे काम जो हैं वो आसान कर दे, तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। वैसे ही हॉस्पिटल में भी कई लोगों ने मेरे काम से, जो मैंने काम किया आज तक और उत्तराखंड इंडस्ट्री के लिए जो मैंने काम किया है, तो उस मेरे जो काम से मुझे कई लोग पहचानते हैं। यहाँ पे भी मुझे कई लोगों ने पहचाना और मतलब इमोशनली एक सपोर्ट सा रहा कि कोई भी काम कठिन नहीं लगा और आसानी से फटाफट होते गया। ऐसे ही बस अच्छे हम लोग काम करते हैं तो हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे काम की वजह से लोग हमें पहचानते हैं। और जब हमारे पर मुसीबत आती है या कोई परेशानी होती है या कोई भी तकलीफ़ होती है तो हम सोचते हैं कि यार सिर्फ हमारे साथ ही ये चीज़ हो रही है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं समाज में, दुनिया में या हॉस्पिटल्स में आते हैं तो तब पता चलता है कि हमसे भी ज़्यादा तकलीफ़ में है लोग। जब हम इन लोगों को देखते हैं, इन लोगों की तकलीफ़ें देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार हमारी तकलीफ़ बहुत छोटी है। वैसे ही मुझे लगा जैसे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और हम सोच के बैठ जाएं कि यार हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया या इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन जब हम ऐसे लोगों के बीच में आते हैं जहाँ पे लोग हमसे भी ज़्यादा परेशान हैं, हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं, तब हम लोगों को लगता है कि हमारी तकलीफ़ जो है वो बहुत छोटी है। और मेरा भी यही मानना है और मैं भी यही सोचती हूँ। पहले लगता था कि हाँ यार मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, और मेरी भी सोच यही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ये सब हुआ, या भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इतनी बड़ी तकलीफ मुझे क्यों दी। लेकिन यह है कि जब मैंने बाहर निकली, हॉस्पिटल्स में आती थी तो लोगों को देखती हूँ, तब लगता है कि यार भगवान ने बहुत तकलीफ़ है दुनिया में लोगों के साथ, बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ है और हमें इन तकलीफ़ों से घबराना नहीं है। हमारी तकलीफ़ उन लोगों की तकलीफ़ से बहुत छोटी है, इसलिए हमेशा पॉजिटिविटी रखें अपने माइंड में, अच्छा सोचें, और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और लोगों को भी प्रेरणा देगी। आप मतलब इस चीज़ से घबराएं नहीं, क्योंकि जब हम घबराते हैं किसी चीज़ से या हम उस चीज़ को अपने अंदर बिल्कुल ऐसा बैठा देते हैं इस चीज़ को कि बस इसके अलावा हमारे दुनिया में कुछ नहीं है या हमारे जीवन में इसके अलावा कुछ नहीं बचा है, तो हम लोग और ज़्यादा निराश हो जाते हैं और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन यह है कि अपने हर पल को हमें
एक अनुभव की तरह लेना चाहिए कि यार इस चीज़ को हमारे साथ, ये चीज़ हमारे साथ हुई है तो हमें एक अनुभव मिलेगा या एक एक्सपीरियंस मिलेगा इस चीज़ से, और अगर मेरे साथ ये चीज़ हुई है तो मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकलूँ या मैं कैसे इस चीज़ से उभरूँ। हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए और नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बी पॉजिटिव, अपने आप को एक आम इंसान की तरह सोचना चाहिए और एक ऐसा व्यवहार रखना चाहिए कि जैसे हम पहले हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए। लेने की तकलीफ़ तो सबके साथ आती है जीवन में, पर उसको हमें किस तरह से टैकल करना है, किस चीज़ से हमें उस चीज़ को से निपटना है, उस चीज़ से वो चीज़ हमें सीखनी है। और मैंने तो यही एक्सपीरियंस करा है इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान कि हमें खुश रहना चाहिए, अपने माइंड में हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है और हमें ऐसा हो गया है वैसा हो गया है। अपनी लाइफ को, अपनी दिनचर्या को, अपने जो भी रूटीन है या जो भी आपकी पसंदीदा चीज़ें हैं, आप जो आपको शौक है, वो चीज़ पूरी कीजिए, इन्जॉय कीजिए लाइफ को, खुश रहिए और लोगों को भी पॉजिटिविटी लोगों तक फैलाइए और लोगों की जो पॉजिटिव वाइब्स है उनको लीजिए, नेगेटिव चीज़ों को साइड कर दीजिए और बस जिंदा दिली से जीवन को जिए और बहुत अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे साथ ये चीज़ हुई है तो ये कुछ अच्छा लेकर आएगी और इससे बेहतर मेरे साथ होने वाला है कुछ अच्छा, इसलिए मेरे साथ ये चीज़ हुई है। और तो मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ कि हर परेशानी के बाद एक सवेरा आता है और हर परेशानी के बाद एक खूबसूरत दिन निकल के आएगा। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि इन सब परेशानियों का आना जो है वो एक खुशी, एक अच्छी, इससे भी बहुत बेहतर खुशी लेके आने का संकेत है ये परेशानी। तो इसलिए बस इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ, खुश रहिए और सबको खुश रखिए और अपने हर पल को, हर एक एक पल को अच्छे से जिए, क्योंकि जो पल होते हैं वो वापस लौट के नहीं आते हैं। इसलिए जो हमारे जो भी पल हैं, खुशी के हों, गम के हों, उनको अच्छे से इंजॉय कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, जय उत्तराखंड। हेलो, कैसे हो आप लोग? देखो मैं हॉस्पिटल से वीडियो बना रही हूँ, अब छुट्टी इधर देखो ना, ये देखो विकास जी की नींद से हम सब हैरान हो चुका है इतने दिनों से। देखो, अरे